तो कुछ टाइम पहले हमारी एक स्मार्ट वॉच खराब हो गई थी जो कि थी फायरबोल्ट टॉक। तो गाइस उसमें प्रॉब्लम क्या थी, उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि उसकी स्क्रीन ऑन नहीं हो रही थी, हम लोग कुछ भी कर रहे थे और वो हमारी वजह से खराब नहीं हुई थी, वो अपने आप ही रख रख के खराब हो गई थी। तो गाइस उसके बाद हम लोग उसे सही कराने के लिए लेके चले गए सर्विस सेंटर पर। और गाइस सर्विस सेंटर पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि आपकी वॉच 10 से 15 दिन बाद रिप्लेस होकर आपके घर पर आ जाएगी। तो गाइस 10 से 15 दिन के बाद हमारी वॉच हमारे घर पर आ गई। फिर जब हमने इसका बॉक्स ओपन करा तो हमने देखा इसमें जो हमारी वॉच थी उसका डायल थोड़ा बड़ा हो चुका था। और गाइस फिर हमने सब सामान निकाल के देखा तो फिर जो हमने बॉक्स भेजा था वही बॉक्स वापस आया था, लेकिन जो अंदर की वॉच थी वो थोड़ी सी चेंज थी। तो जब हमने उसे ऑन करके देखा तो वॉच एकदम सही थी, वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रही थी। तो जैसे हमने उसे ऑन करा तो हमने देखा उसका डायल थोड़ा सा बड़ा था हमारी पिछली वॉच से। और गाइस उसमें जो एप्स थे वो बदल गए थे, मतलब काफी नए एप्स आ गए थे उसमें, काफी सारे नए नए फीचर्स आ गए थे हमारी वॉच में। तो वो देखकर हमने सोचा कि ये तो काफी बढ़िया हो गया, हमारी पुरानी वॉच से हमें एकदम नई वॉच मिल गई और उसमें हमें काफी सारे नए नए फीचर्स भी मिल गए। सो गाइस तो हमारी पिछली वॉच में वो सब फीचर्स नहीं थे जो हमारी नई वॉच में हमें मिले हैं। तो गाइस चलिए अब मैं आपको जल्दी से इसको यूज करके दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इस वॉच के अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स मिले हैं। तो गाइस हमें नहीं पता है कि ये वॉच कौन सा मॉडल है या फिर क्या है, वैसे हमारी टॉक जैसी लग रही है, पूरी बॉडी इसकी हमारी फायरबोल्ट टॉक जैसी है, लेकिन इसके अंदर कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं। तो चलिए अब इसे ऑन करके दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस ये ऑन हो चुकी है, तो यहां से तो आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर से जब आप स्लाइड करेंगे तो ये मेन्यू पूरा चेंज हो चुका है। तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारी पुरानी वॉच की फीचर्स देखने के लिए, जिससे आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसका ये मेन्यू पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यहाँ पर इसमें ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा करने के लिए भी कुछ अलग तरीके से कर दिया है इन्होंने, जैसे कि पहले इसमें दबा के करना पड़ता था लेकिन अब इन्होंने ये स्लाइड वाला दे दिया है, तो इससे हम ब्राइटनेस इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो अभी थोड़ी कमी रखते हैं ताकि फोकस अच्छे से हो पाए। और गाइस यहाँ पे इसकी सेटिंग में आपको काफी सारी नई सेटिंग मिल गई है, यहाँ पे काफी सारी नई सेटिंग्स आ चुकी है, इनमें कोई भी सेटिंग इसमें पहले नहीं थी, काफी सारी इसमें सेटिंग्स नई आ चुकी है, देख सकते हैं गाइस। रिलीज बैक करते हैं, अब इसका आपको हम मेन्यू खोल के दिखाते हैं। तो गाइस पहले इसमें हमें गेम्स नहीं मिलते थे, लेकिन अब इसमें गेम्स भी दे दिए गए हैं। इसमें आपको दो गेम्स मिलते हैं, एक आपको फ्लैपी बर्ड मिलता है और ये आपको एक नंबर वाला मिलता है, इसमें आपको नंबर्स को इस तरीके से कुछ अरेंज करना होता है। तो गाइस ये सब चीजें इसमें नई आई हैं, पहले इसमें ये सब चीजें नहीं थी, इसमें गेम्स नहीं थे, लेकिन अब इसमें गेम्स आ चुके हैं, तो इस पर हमें तो फायदा ही हो गया, हमें इसमें गेम्स वगैरह मिल गए। तो ये वॉच पिछली वाली से तो काफी बढ़िया है, इसमें गेम्स वगैरह सब मिलते हैं आपको। और गाइस इसमें और भी फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि इसकी मैं आपको सेटिंग खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम यहाँ पे जाएंगे मेन्यू व्यू में, तो मेन्यू व्यू में जाने के बाद हम इसके मेन्यू का व्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी पहले नहीं था, पहले इसमें हमें सिर्फ हनीकॉम ही मिलता था, लेकिन अब हम इसमें मेन्यू का व्यू चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये हेल्म लगा दिया, इस तरीके से आप मेन्यू घुमा के इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं आपको। तो हम फिर से सेटिंग में चले जाते हैं, अब हम लोग इसको फिर चेंज करते हैं, अब इसको हम लिस्ट व्यू में कर देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं आप इस तरीके से लिस्ट किस तरीके से आ चुके हैं इसमें सारे एप्स। तो गाइस अब इसका चलिए नॉर्मल वापस हनीकॉम कर देते हैं, वापस इसे हमने हनीकॉम मोड पे ले आए हैं। और गाइस इसमें आपको काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं काफी सारे एप्स अलग आ चुके हैं, पहले ये सब नहीं थे। इसमें ब्रीथिंग टेस्ट भी आ चुका है, इस वाली वॉच में अब हमें एक ब्रीथिंग टेस्ट भी मिल चुका है, मतलब इससे हम अपने मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग इस वाली फीचर से। ये फीचर भी पहले इस वॉच में नहीं आता था, अभी इसमें ये नया फीचर मैंने देखा है। और गाइस ये वॉच हमें खुद नहीं पता ये कौन सा मॉडल है, वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फायरबोल्ट टॉक प्रो भेज दिए हमें फायरबोल्ट वालों ने, तो हमें तो इससे फायदा ही हुआ है काफी ज्यादा, और इसमें काफी नए फीचर्स आ चुके हैं गाइस। और बाकी सारे फीचर्स इसको छोड़ के बाकी फीचर्स पुराने हैं, और थोड़ा सा बस इसका स्टाइल चेंज हुआ है, इसका कलर चेंज हुआ है, और बाकी इधर सब पुराने जैसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ये सब मेन्यू अपडेट किया है, पहले इस तरीके से नहीं आता था, ये सब मेन्यूज इसमें अपडेट हो चुके हैं। तो गाइस इस वॉच के खराब होने से तो हमें काफी फायदा हो गया, एक नई हमें बढ़िया वॉच मिल गई इससे। तो गाइस ये वॉच हमें पिछली वाली से ज्यादा ही बढ़िया लगी, पहले इस तरीके से नहीं आते थे, इसमें मेन्यू काफी डिजाइन चेंज हुआ है और काफी बढ़िया कर दिया पहले से डिजाइन को। और इसका हम 3D मोड तो अभी भी हमें मिलता है, लेकिन इसका थोड़ा आइकन चेंज कर दिया है, इस पर क्लिक करके हम 3D मोड ऑन कर सकते हैं इसका। तो गाइस अभी इस वॉच का 3D मोड ऑन हो चुका है, इससे कुछ तो 3D लुक आता ही है वॉच में। तो गाइस तो इस वॉच के बाकी फीचर्स देखने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको इसका लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस तो फिर यही था आज की वीडियो के लिए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।